डीडीयूपी सम्मान का ये दूसरा वर्ष है और इस वर्ष हमने निर्णायक मंडलों के अनुरोध पर इस बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शामिल किया और हमारा प्रयास रहता है कि जो भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या यहाँ पैदा हुए हैं, बाहर कहीं भी काम कर रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश से उनका ताल्लुक है, उन सब में जो भी टैलेंट है उसको हम सम्मानित कर सकें। और मुझे खुशी है कि बहुत बहुत अच्छा लोगों का हमें सपोर्ट मिल रहा है, रिएक्शंस मिल रहे हैं और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में इसमें और हम वृद्धि करेंगे जिससे लोगों की शिकायतें ना रहें। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के इन सम्मानों का चयन बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया से किया गया है। इनके लिए पहले अर्जियां मंगाई गई थी और उनमें से जो चयन समिति थी उसने हर अर्जी पर व्यक्तिगत विचार किया, योगदान देखा, उनकी प्रतिभा का सम्मान किया और उसी आधार पर इन पुरस्कारों का निर्णय किया है। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की तरफ से विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने वाले जो प्रतिभागी थे उनको गत वर्ष की भांति इस बार भी दूरदर्शन यूपी की तरफ से पुरस्कृत करने की एक प्रक्रिया आज प्रारंभ की गई, जिसमें एक समिति है जिसने जो भी आवेदन आए थे उन पर विचार किया और ये देखा कि जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम किया है उनमें से किसे हम दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की तरफ से एक्सेलेंस अवार्ड दे सकते हैं। डीडीयूपी सम्मान 2017 जो अन्य विधाओं में आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनका चयनित किया है, ये पूर्णतया पारदर्शी है और श्रेष्ठ योग्य लोगों को ही चुना गया है। हर विधायक के लोग यहाँ मौजूद थे, चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसमें काफ़ी अच्छे नामिनेशन आए थे जिसमें जो बहुत योग्य और अच्छे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जिनको सम्मान दिया गया है, आप देखेंगे कि वास्तव में बहुत ही योग्य हैं वो। ऐसे लोग जो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन अभी उन्हें पर्याप्त प्रसिद्धि या जो उनको ड्यू है वो रिकग्निशन नहीं मिल पाया है, विशेष रूप से ये फोकस रहा और मुझे हर्ष है कि हम लोग ने बहुत अच्छे चयन किए हैं। ये दूसरा वर्ष है डीडीयूपी सम्मान का, इसका ये प्रयास बहुत सराहनीय है। प्रिय दर्शकों, नौ वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डीडीयूपी सम्मान एक हमारा छोटा सा प्रयास है, इस पुरस्कार के माध्यम से हमने ये कोशिश की है कि हमारे वे कलाकार, वे समाजसेवी, समाज के अन्य क्षेत्रों से जुड़े अन्य लोग जिन्हें अभी तक पहचान नहीं मिली है, इस पुरस्कार के माध्यम से हम उन्हें एक अलग पहचान दें, उनका सम्मान करें, उनका प्रोत्साहन करें। तो बढ़ते हैं पहले अवार्ड की ओर, साहित्य, जो कि मिल रहा है जिनको हम नहीं बताएंगे, वो ये शॉर्ट फिल्म बताएगी। संस्कृत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित रामशंकर अवस्थी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। संस्कृत के प्रख्यात विद्वान डॉक्टर अवस्थी का जन्म 1942 में कानपुर देहात के औनहा गांव में हुआ। ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहे डॉक्टर अवस्थी आज भी अपने ज्ञान को समाज को देने में लगे हुए हैं और परिवार के साथ रहकर भी किसी संत का जीवन जी रहे हैं। भारतीय संस्कृति को आत्मसात करने वाले डॉक्टर अवस्थी ने हिंदी व संस्कृत में स्नातकोत्तर के साथ पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और 23 वर्षों तक संस्कृत के व्याख्याता के पद पर कार्य किया। आपने संस्कृत की 21 रचनाओं का सृजन किया जिसमें 5 महाकाव्य, 4 खंडकाव्य, 3 नाटक, 3 व्याकरण, 2 गद्य कृति, 2 कथा संग्रह व 1-1 गीतिकाव्य व मुक्तक काव्य शामिल हैं। डॉक्टर अवस्थी के महाकाव्य वन देवी को वर्ष 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकमंगल महाकाव्य को वर्ष 1984 में तथा श्री रामगाथा महाकाव्य को वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का तुलसी पुरस्कार मिल चुका है।
जोरदार तालियां श्री राम शंकर अवस्थी जी के लिए। काफी सालों की मेहनत लग जाती है एक सम्मान को पाने में। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है ललित कला, तो आइए देखते हैं ललित कला के क्षेत्र में हमारी जूरी ने किसे सिलेक्ट किया है। महोबा के गौरहरी ग्राम के शिल्पी काली दीन विश्वकर्मा शिल्प कला के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। विश्वकर्मा जी को शिल्प भूषण व शिक्षक भूषण दोनों ही सम्मान मिल चुके हैं। इसके अलावा 2004 से 2007 तक लगातार हस्तशिल्प राज्य पुरस्कार से ये सम्मानित हुए हैं। 2016 में इन्हें राज्यपाल के हाथों सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उच्च शिक्षा मंत्री, संस्कृति मंत्रालय, अपर जिला जज महोबा, जवाहर नवोदय विद्यालय आदि से प्रशस्ति पत्र पा चुके हैं। विश्वकर्मा जी की कला बेजोड़ है, इसी के चलते उद्योग निदेशालय ने आपको हस्तशिल्प पुरस्कार से नवाजा है। काली दीन विश्वकर्मा ने 2010 से लेकर 2016 तक लगभग 200 हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण देकर दक्ष किया। महोबा में हस्तशिल्पियों की तलाश कर उन्हें पहचान दिलाई और उनके पहचान पत्र बनवाए। हस्तशिल्प व ललित कला श्री विश्वकर्मा का पारंपरिक व्यवसाय है और आपके परिवार में पूर्वजों को भी हस्तशिल्प पुरस्कार मिलते रहे हैं। काली दीन विश्वकर्मा जी के लिए जिनको इस बार दूरदर्शन सम्मान से नवाजा जा रहा है, सर बोलते हैं एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और अब बढ़ते हैं तीसरी कैटेगरी की ओर जो कि है संगीत। हरदोई के रहने वाले कन्हैया लाल पांडे ने रेलवे जैसे महत्वपूर्ण विभाग में सेवाएं देते हुए भी अपनी संगीत एवं साहित्य साधना को जारी रखा और उसमें वो मुकाम हासिल किया जो दूसरों के लिए दुर्लभ होता है। वे रेलवे बोर्ड के अपर सदस्य पद से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन संगीत और साहित्य जिसमें उनकी आत्मा बसती है की यात्रा जारी है। रेल मंत्रालय ने श्री पांडेय के कविता संग्रह बांसुरी के लिए मैथिली शरण गुप्त व कथा संग्रह मनके के लिए प्रेमचंद पुरस्कार दिया। हिंदी फिल्म संगीत के राग विश्लेषण पर दिनकर केलकर स्मृति पुणे ने छंद वेद पुरस्कार से आपको सम्मानित किया। हिंदी फिल्म संगीत के राग विश्लेषण पर राव साहब हरिहर स्मृति से रसिकाग्रणी पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा एप्लाइड रिसर्च की ओर से विशेष गुरु सम्मान व सावित्री समिति नई दिल्ली की ओर से इंदिवर सम्मान से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। इनकी प्रतिभाओं को देखकर ही इन्हें डीडी उत्तर प्रदेश सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनकी संगीत और साहित्य साधना में इनके परिवार का भी सहयोग रहा। वे आज भी अपनी साधना को जारी रखे हुए हैं। डॉक्टर कन्हैया लाल पांडे जी, हिंदी में नाटकों की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद से हुई। नाटक साहित्य का वो स्तंभ है जिसे हम लिखकर, पढ़कर और सुनकर आनंदित होते हैं। जी हाँ, हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है नाटक।
रंगकर्म को समर्पित नाम है महेश चंद्र देवा का। महेश जी ने चबूतरा थिएटर के जरिए समाज के सबसे निचले वर्ग के बच्चों को रंगकर्म या रंगमंच से जोड़ने का काम किया। पहले नाटकों का लेखन किया जिसमें अवसाद में आ गए युवाओं की पीड़ा को यकीन नहीं होता नाटक में दर्शाया। फिर खेतिहर मजदूरों की व्यथा चिड़िया और नाटक के माध्यम से दर्शाई। इसके बाद एक पिता के माध्यम से बेटी का दर्द ओरी चिड़िया में दर्शाया। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण व संत महासंत तीन लड्डू के माध्यम से समाज का चित्रण किया। फिर इनकी नजर समाज के उपेक्षित बच्चों पर गई। अब उनके लिए थिएटर कैसे लाएं? तो आपने 2013 में चबूतरा थिएटर की शुरुआत की। महेश जी का सपना चबूतरा थिएटर पाठशाला के रूप में सामने आया। इनको अब तक अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आपने सिनेमा व धारावाहिकों में भी कार्य किया जिसमें रक्त बीज, राम भजन जिंदाबाद, झलकी, बाबू मोशाय बंदूकबाज, रेड और मुल्क कुछ प्रमुख नाम हैं। महेश जी सादगी की मिसाल हैं। डीडी उत्तर प्रदेश से सम्मान पाकर वे अभिभूत हो उठे। और शालिनी, दूरदर्शन हमेशा से ही कल्याण के लिए काम करता आया है, लोगों के लिए, लोगों की हेल्प हो उस तरीके से उन उन क्षेत्रों में कार्य करता आया है। तो सिर्फ नाटक, सिर्फ संगीत, सिर्फ ललित कला, सिर्फ साहित्य ही नहीं, बल्कि कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हैं जहां पर जिन हस्तियों का दूरदर्शन सम्मान करता आया है। जैसे कि एक कैटेगरी है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। आइए जानते हैं कि इस साल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का ये दूरदर्शन सम्मान किसे दिया जा रहा है। सुल्तानपुर जनपद के निवासी लोकप्रिय डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे का नाम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। डॉक्टर दुबे पिछले 5 वर्षों से राजधानी के वीआईपी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं और प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीजों का उपचार कर रहे हैं। डॉक्टर दुबे की सेवा भावना के चलते इन्हें सेवा भूषण सम्मान से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा अर्धकुंभ, राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी प्रतापगढ़ में, विशाल स्वास्थ्य मेले में इनकी सेवाओं के लिए इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। राज्यपाल स्वयं डॉक्टर दुबे को सेवा भारती पुरस्कार से सम्मानित कर चुके हैं। डॉक्टर दुबे ने लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, यहीं से MD TB एंड चेस्ट किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग में सेवा आरंभ की। रायबरेली, प्रतापगढ़ व उन्नाव के सुदूर ग्रामीण इलाकों में गरीब जनता की सेवा की। टीबी अस्पताल ठाकुरगंज में बतौर चिकित्सा अधिकारी भी रहे। इसके बाद 2 वर्ष तक बलरामपुर जिला चिकित्सालय में चिकित्सा अधीक्षक के पद पर रहकर इन्होंने अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर दुबे का उद्देश्य समाज के हर व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसको उत्कृष्ट व गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है।
एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस सम्मान के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। वो कहते हैं ना कि स्वच्छ वातावरण शांतिपूर्ण और स्वस्थ जीवन का आधार होता है, तो पर्यावरण के संरक्षण में अपने अतुलनीय योगदान के लिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी पर्यावरण, जिसमें हमारे निर्णायक मंडलों ने किसे ये सम्मान से नवाजा है। डॉक्टर भरत राज सिंह पेशे से शिक्षक व पर्यावरणविद हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। भरत सिंह को वैज्ञानिक उपकरण तैयार करने के लिए 1965 में गवर्नर्स अवार्ड मिला था, 1980 में बेस्ट ऑफिसर्स अवार्ड, 1993 में समाजश्री अवार्ड, 1994 में गोल्ड मेडल अवार्ड, 2003 में चीफ मिनिस्टर्स एप्रिसिएशन और 2012 में शिक्षा गौरव अवार्ड के साथ ही इसी वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। 2014 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फर्स्ट कंपेस्ट पावर्ड बाइक के लिए तथा इसी वर्ष मोनेर को एल्यूमिनी अवार्ड, राष्ट्रीय रत्न अवार्ड, सीईई टीचर्स अवार्ड, नेशनल यूपी टेक्निकल एजुकेशन अवार्ड और द लीजेंड्स ऑफ इंडिया अवार्ड भी मिला। इसके अलावा 2015 व 2016 में भी इनके अवार्ड्स की झड़ी लगी रही। हमारे साथ मंच पर आ चुके हैं डॉक्टर भरत राज सिंह जी, जिनको इस बार द्वितीय दूरदर्शन सम्मान से नवाजा जा रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर, यानी कृषि के क्षेत्र में दूरदर्शन द्वितीय सम्मान इस बार किसको जा रहा है, आइए देखते हैं। राजेंद्र सिंह बस्ती की हरैया तहसील की पकड़ी बख्तावर पोस्ट के ग्राम बरसाव के रहने वाले हैं। खेती किसानी को अपना पेशा बनाने वाले राजेंद्र सिंह प्रगतिशील किसान हैं और आज के इस वैज्ञानिक युग में किसानों के लिए आदर्श हैं। राजेंद्र सिंह की कुशलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन्हें कृषि विभाग बस्ती से जिले में गेहूं और सरसों उत्पादन के लिए 2 बार प्रथम पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। श्री सिंह को विभिन्न संगठनों व संस्थाओं द्वारा अवार्ड व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा चुका है। राजेंद्र सिंह ने गेहूं व अरहर की नई प्रजातियों को भी विकसित किया है। इनके द्वारा विकसित गेहूं खेत में झड़ता नहीं है, इसमें गर्मी सहन करने की क्षमता होती है और इसकी पैदावार 60 से 70 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। गेहूं की इस प्रजाति का नाम राजेंद्र सिंह ने RSW 110 रखा है। इसी तरह आप द्वारा विकसित अरहर की प्रजाति का पौधा 10 साल तक जीवित रहता है। अरहर की इस नई प्रजाति का नाम आपने RS Arhar 10 रखा है। बेटी भार नहीं है आधार, जीवन पर है उसका अधिकार, शिक्षा है उसका हथियार, बढ़ाओ कदम और करो विचार। जी हाँ, हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है बालिका शिक्षा, जिसके लिए हमारे निर्णायक मंडलों ने चयन किया है श्रीमती दीप्ति शुक्ला जी का, जो किसी कारणवश यहाँ पर अनुपस्थित है। और इस साल शालिनी, इस साल इन अवार्ड्स में एक नई कैटेगरी जुड़ी है, वो कैटेगरी है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बिल्कुल, और उनकी जो शॉर्ट फिल्म है, हाँ? उससे देखने से पहले मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। बिल्कुल, कि मुद्दतों में होती है शख्सियत उनके जैसी,
मुद्दतों में होती है शख्सियत उनके जैसी अंदाजे बयां से जो इतिहास हो जाया करते हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बात है प्रतीक। ১৯৩৫ में लखीमपुर खीरे में जन्मे राज बिसारिया लखनऊ विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर, थिएटर डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर और शिक्षाविद हैं। कुल मिलाकर वो एक लीजेंड हैं। उन्हें मॉडर्न थिएटर का पिता भी कहा जाता है। उन्होंने 1966 में थिएटर आर्ट्स वर्कशॉप और 1975 में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की। इसके बाद 1980 में भारतेंदु नाट्य अकादमी के ड्रामेटिक आर्ट्स में रेपर्टरी कंपनी की स्थापना की। बिसारिया साहब को पद्मश्री, यश भारती, एसएनए अवार्ड से नवाजा जा चुका है। बिसारिया साहब के बड़े प्रोडक्शन में बेयरफुट इन एथेंस, जूलियस सीजर, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, कैंडिडा, द केयरटेकर, इन कैमरा आदि शुमार किए जाते हैं। राज बिसारिया ने 2 दर्जन से अधिक नाटकों में लीडिंग रोल किए हैं। शिव जी का संदेश आने पर मैं उनके दर्शन कैलाश पर्वत कराया। कैलाश पर्वत। देवादि देव शिव जी और जगत माता पार्वती ब्रह्मांड के सूत्र हाथ में लिए बैठे, उससे भी ऊंचे कैलाश पर्वत। आपको यूपी रत्न अवार्ड भी दिया जा चुका है। राज बिसारिया ने देश के बड़े फिल्म निर्माताओं एवं निर्देशकों के साथ कई फिल्मों में अभिनय किया है। आपके अनेक शिष्यों ने फिल्मों में अभिनय एवं अन्य विभागों में सराहनीय कार्य करके अपने गुरु का मान बढ़ाया है। आप निरंतरता एवं जीवंतता के साथ आज भी थिएटर की ट्रेनिंग देना जारी रखे हुए हैं। श्री राज बिसारिया साहब का कि एक बार वो स्टेज पर आए और उत्तर प्रदेश की महान शक्तियों में डॉक्टर राज बिसारिया साहब का नाम है। एक बार जोरदार तालियां, और ये तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए, ये तालियां इसी तरह से बजती रहनी चाहिए। अपने नाना जी का सपोर्ट करने के लिए यूएस से वेदिका है उनके साथ में, ये नन्ही बच्ची आ जाई है और नाना जी को उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है। तो ये थे हमारे 9 अवार्ड्स जो कि इस बार दूरदर्शन सम्मान समारोह की कैटेगरी में आए थे, सब साथ में थे। एंड अब बारी है निर्णायक मंडल की। जी हाँ, उनके सम्मान की। ढूंढा है समंदर में इन्होंने मोती की तरह, परखा है निगाहों से इन्होंने जौहरी की तरह, ढूंढी है वो प्रतिभा जो छुपी थी हजारों में, ढाला है मूरत में इन्होंने सांचे की तरह। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे निर्णायक मंडल के लिए भी। और मैं निर्णायक मंडल से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री हृदय नारायण दीक्षित जी से कि सर एक बार वो स्टेज पर आए और आकर के हमारा मार्गदर्शन करें अपने सुविचारों से। इस सभागार में उपस्थित मित्रों, भाइयों और बहनों, मेरे लिए सौभाग्य का अवसर है, जिन्हें मैं दूर से देखता था, समाचार माध्यमों से, अखबार से, इलेक्ट्रॉनिक समाचार माध्यम से, तो दूरदर्शन ने मुझे उन्हें निकट से दिखा दिया है।
मैं दूरदर्शन का बहुत आभारी हूं कि राजविसारिया के बगल में खड़े होने का मुझे अवसर आया। मेरे पास शब्द नहीं है मैं किन शब्दों में इस आयोजन की प्रशंसा करूं, कैसे धन्यवाद दूं। आज जिन्हें सम्मानित किया गया है उनमें से कुछ एक को ही मैं जानता था, और उनमें से भी जिन्हें मैं ज़्यादा जानता हूं वो डॉक्टर अशोक जी हैं, आशुतोष जी। आशुतोष जी के बारे में जो फिल्म बनी मैं उसे ध्यान से देख रहा था, उसमें बाकी बातें हैं लेकिन एक उसमें राज की बात नहीं है कि वो जब चिकित्सा करते हैं अपने कक्ष में होते हैं तो एक छोटा सा कोई उनके पास टेप है जिससे हमेशा रामचरितमानस या हनुमान चालीसा धीरे धीरे पृष्ठभूमि में बजा करता है। जैसे अभी हम देख रहे थे ना, तो पीछे एक बहुत सुंदर सा संगीत उभर रहा था। दूरदर्शन हमारे जैसों के लिए हमेशा ही प्रेरक रहा है, और चयन में कि किस ढेर सारे चैनल हैं तो उसमें चयन में वरीयता देने की दृष्टि से भी मैं और मेरे जैसे लोग जो भारत की प्रीति, भारत की संस्कृति, भारत की रीति, भारत की नीति, भारत के लोक जीवन का अपना छंदस, भारत के लोक जीवन का अपना सामूहिक अंतस, इससे जो लोग जुड़े रहे उन्हें दूरदर्शन बहुत भाता है। और मुझे आज ही जानकारी मिली कि दूरदर्शन इस प्रकार का आयोजन पहले भी करता रहा है, आज भी उसने किया है। तो पूरे कार्यक्रम की रचना, पूरे कार्यक्रम का संयोजन, और जो दो युवा यहाँ से बुला रहे थे सबको वह, और उसका उद्देश्य, इसने मुझे मंत्रमुग्ध किया है, अभिभूत किया है। ऐसी कला जैसी प्रस्तुतियाँ यहाँ की गई और जैसी प्रस्तुतियों का भारत के राष्ट्र जीवन में प्राचीन इतिहास है। बहुत प्राचीन काल से मानवता के ज्ञात इतिहास में ऋग्वेद में बहुत ठीक से उल्लेख हुआ है गीत का, संगीत का। बड़ी सुंदर कहावत है ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो मैं बिल्कुल पहाड़ के नीचे आ गया हूँ। तमाम लोग पुरस्कृत किए गए हैं और उनके साथ खड़े होना अपने आप में सौभाग्य है, उनसे हाथ मिलाना और बड़ा सौभाग्य है। मैं जितने भी पुरस्कृत हुए हैं और जिन लोगों ने, जिस टीम ने उनका चयन किया है, तो मैं दोनों के प्रति बहुत अनुग्रहित और बहुत आत्मार्पित हूँ, स्वयं को उनके प्रति आत्मार्पित करता हूँ। और हमारी शुभकामनाएं कि वह यश का, प्रतिष्ठा का, भारतीय संस्कृति की निष्ठा का सर्वोत्तम पाए, परम व्योम तक उनकी यश कीर्ति पताका जाए। कृपया हमारे प्रणाम स्वीकार करें, हमारी शुभकामना स्वीकार करें। बहुत धन्यवाद, आभार।